आज हर बच्चे बच्चे की जुबान पर नीरज चोपड़ा का नाम है और होना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जैवलिन थ्रो में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजस्थान के रहने वाले देवेंद्र झांझरिया, जिन्हें 8 साल की उम्र में इलेक्ट्रिक केबल की चपेट में आने से अपना बायां हाथ खोना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत ना हारते हुए एथलीट बनने का फैसला किया और साल 2004 में उन्होंने एथेंस पैरा ओलंपिक गेम्स में 62.10 मीटर थ्रो करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद साल 2016 में रियो पैरा ओलंपिक गेम्स में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही 12 साल पहले अपने ही बनाए रिकॉर्ड को तोड़ा, वो भी 63.97 मीटर थ्रो करके। और आपको बता दें कि देवेंद्र झांझरिया को खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड और यहाँ तक कि पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। क्या इससे पहले तक आप इनके बारे में जानते थे? अगर नहीं तो कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।